नमस्कार दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों ज्यादातर हिंदी फिल्मों की हालात खस्ता ही है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राम सेतु, थैंक गॉड मिली और फोन भूत जैसी फिल्में हॉलीडे पर रिलीज होने के बावजूद कमाई के मामले में लागत तक भी नहीं निकाल पा रही हैं। वहीं दूसरी ओर हाल ही में रिलीज हुई सूरज बड़जातिया की फिल्म ऊंचाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दिनों दिन नई ऊंचाइयां छू रही है। फिल्म शुक्रवार को यानी कि 11 नवम्बर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, परिणीति चोपड़ा अहम भूमिका में है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की कहानी तीन बूढ़े दोस्तों पर आधारित है, जो अपने चौथे दोस्त की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं, जहां उन्हें कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर सूरज बड़जातिया ने किया है। सूरज पारिवारिक ड्रामा फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहली बार उन्होंने दोस्ती पर आधारित फिल्म बनाई है, जो दर्शकों पर जादू चलाने में कामयाब होती दिख रही है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अब तक का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। पहले दिन यानी 11 नवंबर को इस फिल्म ने 1,80,00,000 का कलेक्शन किया था। इसके अगले दिन फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला और शनिवार को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3,64,00,000 की शानदार कमाई की, यानी फिल्म ने दूसरे दिन ओपनिंग डे से दुगनी कमाई की। वहीं दोस्तों, तीसरे दिन यानी रविवार की बात करें तो फिल्म की कमाई ने तेज रफ्तार पकड़ते हुए चौंकाने वाला कलेक्शन किया है। फिल्म ने रविवार को 5,00,00,000 का शानदार कलेक्शन किया है। इस हिसाब से फिल्म ने अपने शुरुआती तीन दिनों में यानी कि वीकेंड में कुल 10,00,00,000 की कमाई कर ली है। इस फिल्म की चारों तरफ से तारीफ हो रही है और दर्शक भी फिल्म को देखने जा रहे हैं। वही दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के बजट की। ऊंचाई फिल्म को बनाने में 35,00,00,000 रुपए की लागत आई है। वही फिल्म ने अभी तक 10,00,00,000 का ही कलेक्शन किया है। इस हिसाब से फिल्म को अभी अपनी लागत पूरी करने के लिए 25,00,00,000 रुपए और कमाने होंगे। वहीं शुक्रवार को अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 भी रिलीज हो रही है, जिसकी तगड़ी एडवांस बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसका सीधा असर ऊंचाई फिल्म पर पड़ना लाजमी है। दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फिल्म अपनी लागत पूरी कर पाती है और यह फिल्म दृश्यम 2 के सामने कितना टिक पाती है। यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।